बिहार में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी पटना समेत पूरे सूबे पर भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बरसाती बाढ़ से जनजीवन जो है वो ठहर सा गया है। ये तस्वीरें देखिए कि बिहार में इस वक्त हालात क्या हैं। 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के 14 जिले हैं जिसमें अलर्ट जारी किया गया है। हमारे सहयोगी एसके राजीव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके राजीव, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से 14 जिलों में तो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन पटना की स्थिति जानना चाहेंगे। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने इंडियन एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर की डिमांड की है और पटना की हालत भी वाकई में ऐसा लग रहा है कि बाढ़ का खतरा पटना में भी मंडरा रहा है। बाढ़ की स्थिति पटना में काफी गंभीर है और खतरा मंडरा नहीं रहा है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पटना का लगभग 70% इलाका जो है वो इन दिनों फ्लड अफेक्टेड है, पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। और रही बात की मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री देर रात लगभग 12 बजे के करीब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में एक आपात बैठक बुलाई थी और उस बैठक के बाद उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें कि 2 चॉपर केंद्र सरकार से उन्होंने मांग की। और जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः आज लगभग 12-1 बजे करीब जो है वो दोनों चॉपर जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ दे भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो फरक्का जो डैम है जहाँ से कि गंगा को कंट्रोल किया जाता है, तो फरक्का डैम के 117 जो फाटक है उस 117 फाटक को खोल दिया गया है ताकि कम से कम गंगा का पानी जो है उसका लेयर नीचे हो, क्योंकि गंगा के पानी का लेयर जैसे ही नीचे होगा तो पटना का जो पानी, जो पटना में पानी जो जमा है वो फिर सीधे तौर पर सीधे जो है वो गंगा में जाकर के पानी गिरेगी। तो हो सकता है कि बाढ़ से थोड़ी सी निजात पटना वासियों को मिले, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट किया है कि बिहार के 14 जिले के साथ साथ पटना भी जो है वो अभी भी रेड अलर्ट पे, पटना को भी रखा गया और ये कहा गया है कि हो सकता है कि आज फिर दोपहर के बाद जो है वो पटना में झमाझम बारिश हो। तो आप इस तरीके से ये कह सकती हैं कि पटना वासियों को फिलहाल अभी बाढ़ से राहत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। श्वेता जी, बने रहिए इसके राजीव हमारे साथ। खबर ये भी आ रही है कि नीतीश सरकार ने केंद्र से गुजारिश की है, एयरफोर्स से 2 हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। पटना में फूड पैकेट और दवाइयां पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। कोयला खदानों से डी वॉटरिंग मशीन भी आज पटना पहुंचेगी। तो 2 हेलीकॉप्टर की डिमांड नीतीश कुमार ने की है। इंडियन एयरफोर्स से ये हेलीकॉप्टर की मांग की गई है कि दवाइयां पहुंचाने के लिए, फूड पैकेट पहुंचाने की और एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद चाहिए। हमारे सहयोगी एसके राजीव लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, इसको लेकर अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए श्वेता, जैसे मैंने आपको बताया कि देर रात लगभग 12 बजे के करीब जो है वो सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई थी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था। क्योंकि अगर आप पटना सिटी, राजेंद्र नगर और कंकड़बाग के इलाकों को देखेंगे तो वहां पर लगभग 7 से 8 फीट पानी अभी भी है, यानी कि अगर आपका एक फ्लोर, आप कह सकती हैं कि एक फ्लोर जो है पूरी तरीके से डूबा हुआ है, लिहाजा लोगों के घरों तक जो है वो सामान नहीं पहुंच पा रहा है, सरकार चाह करके भी सामान नहीं पहुंचा पा रही है। और इसी वजह से जो है वो एयरफोर्स से 2 चॉपर की मांग जो है मुख्यमंत्री ने की है और जो जानकारी मिली है कि दोपहर तक संभवतः बिहार सरकार को 2 चॉपर जो है वो एयरफोर्स की तरफ से दे दिया जाएगा, जिसके बाद लोगों के घरों पर जो है वो दूध के पैकेट, पानी और जो खाद्य सामग्री है वो वहां तक पहुंचाने की कोशिश राज्य सरकार करेगी। निश्चित तौर पर स्थिति काफी भयावह है और ये कहा जा रहा है कि 1975 के बाद, क्योंकि 1975 में जब गंगा का एम्बैंकमेंट टूटा था उसमें पटना की स्थिति हुई थी और उसके बाद पहली बार पटना की इतनी विभत्स आप कह सकते हैं। क्योंकि आप जब आएंगे और जो विजुअल अगर आप देख रही होंगे श्वेता, तो काफी डरावना दृश्य है पटना का। क्योंकि और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पूरे बिहार में 28 लोगों की मौतें भी अभी तक हो चुकी हैं। कल आपको याद होगा कि कल दानापुर में एक टेम्पो सवार, टेम्पो पर एक परिवार जा रहा था और अचानक एक बारिश के बीच एक पेड़ जो है वो उस टेम्पो पर गिर गया और 4 जो लोग हैं वो उसमें अचानक कालकवलित हो गए। तो 28 लोगों की मौतें भी अभी तक पूरे बिहार में हो चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि अभी भी बिहार में बाढ़ की स्थिति जो है वो उससे निजात नहीं मिलने वाला है बिहार वासियों को, खास करके जो 14 डिस्ट्रिक्ट है। इंद्रपुरी बराज है, वहां पर सोन की स्थिति जो है वो काफी भयानक है। इंद्रपुरी बराज से भी पानी छोड़े जाने की सूचना है, वो पानी लगभग 4 बजे तक पटना के गंगा में पहुंचेगा। तब अंदाजा लगे कि कितनी भयानक स्थिति है, लेकिन हालांकि फिलहाल तो राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इसके राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।